श्रीमती चिंता अनुराधा। थैंक यू सर। सर, टुडे इंडियन माइस मार्केट इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली विथ ह्यूज आउटबाउंड्स वेयर वी नीड टू मैच द ऑफरिंग्स ऑफ द ओवरसीज डेस्टिनेशंस टू रिटेन बिजनेस इन इंडिया। What steps the government has taken to undertake to tap unbound Indian mice market? Whether the government plans to conduct ranking of the states and select cities on mice ecosystem? If so, the timeline of the exhibition of the same? Thank you, sir. अध्यक्ष जी, ये mice tourism बढ़ाने के लिए मैं अभी भी बताया हूँ, अलग-अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा हम कर रहे हैं। अभी अभी बताने का खुशी होते हैं। अभी जो जो भारत सरकार के द्वारा न्यू कन्वेंशन सेंटर्स बनाते हैं, बहुत दिन से इस सरकार का डिमांड है, टूरिज्म ऑपरेटर्स का डिमांड है, जो भी न्यू कन्वेंशन सेंटर्स बनाते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, इंडस्ट्रियल स्टेटस देना चाहिए, उनका डिमांड है। अभी अभी मैं बताने के लिए मैं हर्ष व्यक्त करता हूँ, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का स्टेटस देने के लिए अभी अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट भी निर्णय किया है। आने वाले दिन में एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, भारत के टूरिज्म सेक्टर को सभी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कदम उठाने वाले हैं। अभी आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए लगातार भारत सरकार काम कर रहे, उसमें एक ही विषय है, जो ग्लोबल माइस इंडस्ट्री के इंडिया की रैंक कमी है आपको मैं मानता हूँ। 2014 से आज अगर कंपेयर किए तो आज 2017 में भारत का रैंक मरी वो 24% हो गया, और उसके साथ साथ 2014 में 160 इवेंट्स होता था भारत में, अभी 2017 में 175 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है। ग्लोबल माइस रैंकिंग में अभी 2014 में रैंक 25 थी, अभी 2017 में वो बढ़कर रैंक 22 हो गया। वैसा ही 2014 में 60,102 पार्टिसिपेंट्स विदेश से भाग लिए थे, 2017 में 72,230 पार्टिसिपेंट भारत में इवेंट्स में भाग लिया है। ये अच्छे इम्प्रूवमेंट भारत का इस जो माइस टूरिज्म में, माइस इवेंट्स में भागीदारी हो रहे हैं। आने वाले दिन में इसके लिए जो ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी जो बनाए, वो ड्राफ्ट पॉलिसी अनुमोद होने के बाद, डिपार्टमेंट के द्वारा जो निर्णय होने के बाद, उसके लिए अलग अलग कदम उठाकर इस माइस टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए पूरा पूरा प्रयास हम करेंगे।